हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये चैप्टर 2 का हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखिए, पहला जो डिफरेंस है वो मीनिंग का डिफरेंस है। तो आइए मीनिंग देख लेते हैं। द कॉस्ट विच रिमेन्स सेम रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम प्रोड्यूस इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। चाहे आप जितना भी प्रोडक्शन करो, ठीक है, जितने यूनिट्स भी आप बनाओ, आपका जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, वो सेम रहता है, तो उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। द कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट इज कंसिडर्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जब आपके प्रोडक्शन के साथ साथ आपका कॉस्ट चेंज होता रहता है, तो उस कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप जितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, उस हिसाब से आपका कॉस्ट इनकर्ड होगा, तो वो कॉस्ट हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गए, ठीक है, आप जितना आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है, उसी हिसाब से आप रॉ मटेरियल खरीदोगे और उसी हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया। और फिक्स्ड कॉस्ट जो हो गया, वो जैसे आपका रेंट हो गया, आपने कोई लैंड रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आप वर्क करो चाहे मत करो, प्रोडक्शन का काम करो चाहे मत करो, लेकिन आपको रेंट देना ही है, तो वो रेंट जो आपका हो गया, वो क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है नेचर। नेचर क्या है? टाइम रिलेटेड। जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है, वो टाइम रिलेटेड होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको इतना कॉस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन जो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, वो वॉल्यूम रिलेटेड होता है। वॉल्यूम रिलेटेड कैसे होता है? कि आप जितने यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, आपको उसी के हिसाब से पैसे देने होंगे। इनकर्ड व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट आर डेफिनेट, दे आर इनकर्ड वेदर द यूनिट्स आर प्रोड्यूस और नॉट। फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है, वो हमारा डेफिनेट होता है, मतलब फिक्स होता है, चाहे आप कोई भी यूनिट्स बनाओ चाहे मत बनाओ, ठीक है, आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, आपको वो फिक्स्ड कॉस्ट देना ही पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट आर इनकर्ड ओनली वैन द यूनिट्स आर प्रोड्यूस। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा होता है, वो डायरेक्ट आउटपुट से रिलेटेड होता है, तो जब तक आप कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करोगे, आपका कोई वेरिएबल कॉस्ट चार्ज नहीं होगा। लेकिन जब आप कोई यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, तो आपको केवल उसी यूनिट्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट देना होगा। नेक्स्ट है यूनिट कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट चेंजेस इन यूनिट, दैट इज एज द यूनिट प्रोड्यूस इंक्रीजेज, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। सो द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। देखिए, जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है, वो यूनिट में चेंजेस करता है। कैसे? जो भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है और जो भी यूनिट होता है, वो दोनों आपस में इन्वर्सली प्रपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रपोर्शनल का मतलब क्या होता है? कि अगर आपका यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और आपका अगर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट और यूनिट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। लेकिन जो आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, वो रिमेन सेम पर यूनिट, हर यूनिट के लिए आपका जो वेरिएबल कॉस्ट होगा, वो सेम रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है बिहेवियर। इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर समय के लिए जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, वो डेफिनेट रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। उस पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको उतना फिक्स्ड कॉस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन जो आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, वो चेंजेस विद द चेंज इन द आउटपुट लेवल। जैसे जैसे आप अपने आउटपुट का लेवल चेंज करोगे, आपका जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, आप जितना भी प्रोडक्शन में चेंज करोगे, उस हिसाब से आपका वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। अगर आप आउटपुट ज़्यादा करोगे, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे, तो आपके वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा इनकर्ड होंगे, और अगर आप उसका प्रोडक्शन कम कर दोगे, तो आपके वेरिएबल कॉस्ट कम इनकर्ड होंगे। तो ये बेसिकली हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो, तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।